हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कर्तिशास किचन में। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक बहुत ही काम की वीडियो, जो आपके डेली के कामों को बहुत ही आसान बनाने वाला है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और वीडियो जरी सी भी अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों और फैमिली के साथ इसको भर भर के शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आएँ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए फिर देख लेते हैं हम अपना आज का पहला यूजफुल किचन ट्रिक। दोस्तों, यहाँ पे जो मेरा पहला यूजफुल किचन ट्रिक है, इन बल्ब को लेकर है। अक्सर हमारे घर में इस तरह के बल्ब होते हैं। ये वाला बल्ब जो आपको दिख रहा होगा, ये है नॉर्मल बल्ब, और अगर आप इसको अपने घर में लगाते हैं तो इसके नुकसान ही नुकसान है। सबसे पहला नुकसान तो ये है कि ये जहाँ पर भी लगेगा वहाँ के रूम को बहुत ही गर्म कर देगा। दूसरा ये है कि बिजली की खपत ज़्यादा करता है, और तीसरा ये है कि ये रोशनी भी कम देता है। और अगर आप अपने घर में इस तरह के LED बल्ब को लगाते हैं तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं आपके लिए। पहला फ़ायदा तो ये है कि ये जहाँ पर भी लगेगा कि वहाँ के रूम को बिल्कुल भी गर्म नहीं करता है। दूसरा ये है, बिजली की कंजप्शन भी कम करता है, और तीसरा ये है कि ये रोशनी भी अच्छी देता है। तो दोस्तों, इन दोनों बल्ब के मुकाबले में आप LED बल्ब का ही अपने घर में यूज़ करिए, तो इसके आपको फ़ायदे ही फ़ायदे नज़र आएंगे। तो इसके लिए आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट यूज़फुल ट्रिक। दोस्तों, यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट यूज़फुल ट्रिक है, इन कंघी को लेकर है, और अब मैं बताने जा रही हूँ कि आपको सिंक में कंघी डालना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो हमारा सिंक होता है और ये बीच का जो पाइप का एरिया होता है, ये बहुत ही गंदा हो जाता है। लेकिन ये जो इसका पाइप होता है, इसकी सफाई हमें डेली करते रहनी चाहिए, ताकि इसमें कोई भी कूड़ा करकट ना फंसे। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप एक कंघी और एक जूना जो स्टील का स्क्रबर होता है, उसकी मदद से आप सफाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ये जो कंघी मैंने ली है, ये बहुत ही पुरानी कंघी है, तो मैं इसका आज यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आपने क्या करना है कि ये जो स्क्रबर है स्टील का, इस तरीके से कंघी में लगा देना है, और इसके बाद आप पाइप के आसपास का एरिया और सिंक की जाली को इससे साफ़ कर लीजिए, और आप देखेंगे कि इससे बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग हो रही है। और इसके बाद आप क्या करिए कि साफ़ पानी से अपने सिंक को धो दीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक कंघी और एक स्टील के स्क्रबर से कितनी अच्छे से अपनी जाली और अपने पाइप के आसपास के एरिया को साफ़ कर दिया है। तो है ना ये कमाल की ट्रिक? तो दोस्तों, इसके लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो दोस्तों, चलिए हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट यूज़फुल किचन ट्रिक। दोस्तों, यहाँ पे जो मेरी अगली ट्रिक है, इन बर्तनों को लेकर है। अक्सर क्या होता है कि जब भी हम बर्तनों को धोते हैं और विम लगाकर इस तरीके से हम बर्तनों को एक साइड रखते चले जाते हैं, तो इनसे क्या होता है कि जो विम होता है इन बर्तनों में लगा हुआ, वो सूख जाता है और वो चिपक सा जाता है, वाइट वाइट सा दिखने लगता है। लेकिन इससे क्या होता है कि दोस्तों, हमारे लिए ही काम बढ़ जाता है। तो यहाँ पे एक आपको बहुत ही अच्छा तरीका बता रही हूँ। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इन सॉक्स का, और सॉक्स के अंदर हम डाल देंगे एक पॉलीथीन, और यहाँ पे हम सॉक्स में एक गांठ लगा देंगे, और इससे हम आज अपने बर्तनों को धोएंगे, और यकीन मानिए आपके जो बर्तन है ना, बहुत ही अच्छे से चमक उठेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं इस सॉक्स की मदद से सारे बर्तनों को अच्छे से क्लीन कर दूँगी, और हमारे यहाँ पे जो बर्तन है ना, बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, इनमें बिल्कुल भी विम नहीं लगा रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, मैंने सारे बर्तनों को धो लिया है, और यहाँ पे देखिए हमारे जो बर्तन है एक सॉक्स की मदद से कितने अच्छे से चमक गए हैं। दोस्तों, ट्रिक अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, चलिए हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट यूजफुल किचन ट्रिक। दोस्तों, यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट यूजफुल किचन ट्रिक है, हमारे गैस की क्लीनिंग को लेकर है। अक्सर क्या होता है कि जब भी हम अपने गैस की क्लीनिंग करते हैं तो इसके जो बर्नर हैं, इनमें पानी चला जाता है, और इससे बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी हो जाती है। तो आप जब भी अपने गैस के बर्नर को साफ़ करें तो उसको इस तरीके से आप ढक दीजिए कोई भी कटोरी से जो इसमें फिट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने दो कटोरी से बर्नर को ढक दिया है, और अब मैं इसकी क्लीनिंग कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने विम लगा दिया है, और यहाँ पे अगर आप पानी भी डालेंगे ना, तो ये जो पानी है आपके बिल्कुल भी बर्नर में नहीं जाएगा, और आपके जो बर्नर हैं बिल्कुल सेफ रहेंगे, क्लीन रहेंगे, बिल्कुल सूखे रहेंगे। और इसके बाद आप गैस को एक साफ़ कपड़े से, सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए, और इसके बाद अब आप जब भी कटोरी निकालेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए जो बर्नर है हमारे बिल्कुल सूखे हैं, इनके अंदर बिल्कुल भी एक बूंद भी पानी नहीं गया है। तो दोस्तों, ये होता है ना कि अगर हम बार बार बर्नर को साफ़ करें, तो इससे क्या होता है कि जो हमारे बर्नर है ना, ख़राब भी होने की डर रहता है। तो महीने में तो एक बार चलता है कि बर्नर को साफ़ कर दिया जाए, लेकिन रोज़ रोज़ हमें ना इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो हमारे बर्नर होते हैं वो जाम हो जाते हैं। तो दोस्तों, एक बार आप इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी ये ट्रिक। तो दोस्तों, ये थी आज की यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों और फैमिली के साथ इसको भर भर के शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने एक नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।